सोने की शुद्धता को हम लोग कैरेट में परखते हैं, लेकिन कितने कैरेट में कितना प्योर गोल्ड है ये हमें कैसे पता लगेगा? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले होता है 24 कैरेट गोल्ड, जिसमें 99.9% तक प्योर गोल्ड होता है। अब इसे खरा सोना है ही नहीं, लेकिन इतना सॉफ्ट होता है कि इससे ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती। फिर आता है 22 कैरेट गोल्ड, जिसको 916 गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 91.6% प्योर गोल्ड होता है और बाकी बचे हुए परसेंटेज में कॉपर और जिंक जैसे मेटल मिक्स होते हैं। अभी थोड़ा हार्ड होता है तो इसे ज्वेलरी बनाना आसान होता है। फिर आता है 18 कैरेट गोल्ड, जिसमें मात्र 75% तक की प्योर गोल्ड होता है और बाकी बचे हुए 25% में निकिल, कॉपर और जिंक जैसे मेटल मिक्स होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे कैरेट घटता जाएगा, सोने की शुद्धता भी घटती जाएगी और साथ ही साथ सोने की चमक भी घटती जाती है। गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सिर्फ क्रिकेट ही वो वजह नहीं है जिसकी वजह से सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, बल्कि इसके पीछे की एक और बड़ी वजह है, और वो है वैल्यूज। इसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब 1996 के वर्ल्ड कप में बहुत सारी टोबैको और सिगरेट कंपनीज क्रिकेटर्स को एंडोर्समेंट के लिए या फिर एडवर्टीजमेंट के लिए अप्रोच कर रही थी, तो बहुत से नामी क्रिकेटरों ने इन्हीं सिगरेट और टोबैको कंपनीज के स्टीकर लगा लगा के बैटिंग की थी और इन कंपनीज को एंडोर्स किया था, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बैट पर बिना स्टीकर लगाए क्रिकेट खेला, लेकिन इन कंपनीज को कभी भी प्रमोट नहीं किया। उन्होंने पब्लिकली हमेशा यह बोला कि मैं कभी भी टोबैको कंपनीज और शराब की कंपनियों को एंडोर्स नहीं करूंगा। इसे ही कहते हैं वैल्यू, और इसी वजह से सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। गाइस, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं वीडियो में। कोरोना के समय में उन परिवारों को बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है जिनमें कोरोना की वजह से कमाने वाले की मृत्यु हो गई है, और अगर वो कमाने वाला किसी प्राइवेट जॉब में था तो ये तो और समस्या का विषय है। इसी बीच टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसी घोषणा की जिससे उन्होंने सबका दिल जीत लिया। टाटा स्टील के अनुसार अगर उसके किसी भी कर्मचारी की कोरोना की वजह से मृत्यु होती है तो उसके परिवार को सर्विस की 60 साल तक पूरी की पूरी सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा परिवार को रहने के लिए घर दिया जाएगा और मेडिकल की सुविधाएं भी दी जाएंगी, और तो और उनके बच्चों के पढ़ाई का खर्च भी कंपनी ही उठाएगी। गाइस, टाटा स्टील की ये पहल आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।